बदल गया 105 साल का इतिहास, अब ये महिला संभालेगी रेलवे अध्यक्ष और सीईओ का पद। कौन है जया वर्मा सिन्हा जिस पर मोदी ने जताया भरोसा? भारतीय रेलवे के 105 साल के इतिहास में पहली बार केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड का सीईओ और अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके साथ ही वह रेल मंत्रालय के 105 साल पुराने इतिहास में ये पद संभालने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। आइए आपको बताते हैं कौन है जया वर्मा सिन्हा जिन्हें केंद्र सरकार ने ये जिम्मेदारी सौंपी है। जया वर्मा सिन्हा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा हैं। खबरों के मुताबिक उन्होंने वर्ष 1988 में इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस ज्वाइन की थी। जया अब तक 3 रेलवे क्षेत्रों में काम कर चुकी हैं। इनमें उत्तर रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे और पूर्वी रेलवे शामिल हैं। सरकारी आदेश के अनुसार कैबिनेट नियुक्ति समिति ने जया वर्मा सिन्हा को ऑपरेशन बिजनेस डेवलपमेंट की मेंबर, रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। सिन्हा बालासोर दुर्घटना के बाद रेलवे का सार्वजनिक चेहरा बन गई थी। उस दौरान सिन्हा ने मीडिया को रेलवे के जटिल सिग्नलिंग सिस्टम के बारे में बताया था। सिन्हा ने 4 वर्षों तक बांग्लादेश के ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग में रेलवे सलाहकार के रूप में काम किया है। बांग्लादेश में उनके कार्यकाल के दौरान ही कोलकाता से ढाका तक चलने वाली मैत्री एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया था। रेलवे विभाग के अध्यक्ष का क्या काम होता है? बता दें कि रेलवे विभाग का अध्यक्ष भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जिस पर रेलवे सेवाओं के निर्देशन, विकास और ऑपरेशन संबंधित बड़ी जिम्मेदारी होती है।